गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास सिक्स, एक्सरसाइज 5.3. राइट फोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसके सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं. तो देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, 1/7. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/7, 1/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा. देखिए, तो इसमें देखिए 1/7 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दें, फिर 1/7 में 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. तो ये इस तरीके से, और हमें कितने मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट 4 लिखने हैं. तो इसी तरीके से 1/7 में देखिए 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 3 का मल्टीप्लाई, फिर 4 का मल्टीप्लाई, फिर 1/7 में 5 का मल्टीप्लाई. तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 1 2 और 7 2 14. सेकेंड क्या हो जाएगा, 3/7 3 21. फिर 4 1 4, 7 4 28. और फिर 5/35. तो देखिए टेबल बढ़ता जाएगा, 7 था ना, 7 का टेबल ऊपर नीचे बढ़ेगा, और इस तरह ऊपर भी 1 का टेबल, अगर 1 है तो 1 का टेबल बढ़ता चला जाएगा. इसी तरीके से लिखेंगे. देखिए जैसे बी नंबर देखिए 2/3 है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई लिखते जाइए, 2 4 3 का 3 2 6. अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6/3 3 9, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा. नेक्स्ट 2 4 8 और 3 4 12, हो गया. इसी तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसमें कौन सा है, देखिए 1 में 9 का मल्टीप्लाई किया, 3 में 9 का मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. इसमें देखिए 6 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24 हो रहा है, और 5 5 जा, तो ये तो बिल्कुल नहीं है. 3 का टेबल पढ़िए, 3 9 जा 27, 5 9 जा 45 होना चाहिए, तो ये भी नहीं है. 2 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा. और 3 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 45, अच्छा ये भी नहीं होगा. 3 8 जा 5 8 जा, ये होगा. देखिए इसमें 3 8 जा 24 हो रहा है, तो 8 का मल्टीप्लाई अगर नीचे वाले में भी करेंगे तो ये 40 होगा. तो ए और सी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. सो दैट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये आपको शो करना पड़ेगा. नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या करना है, शो करना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है. तो सबसे पहले देख सकते हैं 1/7, तो नंबर कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. इस नंबर को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते 1 से, ये सो इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म. इसलिए ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है. जैसे 2/11 है, तो ये भी आप सेम रीजन बताएंगे, 2 से 11 डिवाइड नहीं होगा, तो ये अपने आप क्या, ये सेम रीजन आप लिखेंगे यहाँ भी. आप देखिए ये इस नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं डिवाइड किया जा सकता, क्योंकि आप सेम रीजन देंगे. ठीक, आप लिखेंगे नंबर कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म.
सो इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब बाकी सारे क्वेश्चन के आगे आगे यही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में 18/54 है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ये किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा? 6 से ये डिवाइड हो जाएगा, 6 3 18 6 9 3 1 3 3 3 9 1/3 हो गया, हो गया। नेक्स्ट देखिए सी नंबर, ये ए नंबर था 4 का, सी नंबर देखिए 16/20 4 4 4 5 तो 4/5 क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का ए देखिए 4/5 को हमें लिखना है विथ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या लिखना है 60, तो विद न्यूमरेटर 60 कैसे लिख पाएंगे? देखिए न्यूमरेटर हमारा 4 है, 5 है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 60 हो जाए, 15 का मल्टीप्लाई कर दें नीचे भी ऊपर भी, यानी न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो 15 4 60 हो जाएगा और 15 5 75 हो गया, ये आंसर होगा। इसी तरीके से सी नंबर देखिए, न्यूमरेटर हमारा कितना होना चाहिए, 78/158 न्यूमरेटर कितना होना चाहिए, ये कह रहा है न्यूमरेटर 39 होना चाहिए। अब देखिए 2 से अगर इसको डिवाइड कर दें, देखिए 78 है, इसको डिवाइड कर दें 2 से और 158 को भी 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 2 3 6 2 9 39 आ गया, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 7 14 और यहाँ बचा 1 यानी 18 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।